गॉड्स ट्रेन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति की शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, आपके लिए चैनलिंग है कि अगर आप अपने कार्मिक से केस फाइल करना चाह रही थी, यानी डिवोर्स चाह रही थी, तो उसका प्रोसेस अब शुरू होने वाला है। इसीलिए ये चैनलिंग ऐसी डीएफ्स के लिए है जो अपने कार्मिक से, यानी जिनसे भी वो मैरिड हैं, उनसे अगर वो डिवोर्स चाहती हैं तो अब वो केस फाइल करने वाली हैं। खुद डीएफ ही केस फाइल कर सकती हैं, ऐसी मुझे चैनलिंग हुई है। क्योंकि ड्रीम में मुझे एक पर्सन दिखा है जो लॉयर है, और कोई लड़की उसको फ़ोन करती है और अपने इसी तरीके के केस के सिलसिले में बात करती है, तो वो लॉयर कह देता है कि ठीक है, मैं ये प्रोसेस शुरू करता हूँ। तो वो जो बात हुई है, मुझे एक्यूरेट वर्ड याद नहीं है, लेकिन मुझे एनर्जी याद है कि कोई लड़की इसी तरीके से अपने अपने कार्मिक के सिलसिले में फ़ोन करती है और वो ओके कह देता है कि हाँ ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ। वो गाइडेंस लेती है, वो लड़की गाइडेंस लेती है और वो पर्सन गाइड कर देता है। और पूरी एनर्जी ये है कि वो लॉयर है और इस तरीके से बात हो रही है, तो मीनिंग यही है कि अगर आप अपने कार्मिक से डिवोर्स चाहती थी तो आप खुद ही केस फाइल करने वाली हैं, जल्द ही ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट चैनलिंग ये है कि ये चैनलिंग मुझे 2-3 दिन पहले हुई थी, बट कुछ ऐसा होता रहा कि डिले होती गई, मैं उसी टाइम नहीं ये दे पाई, पर अब दे रही हूँ। कि ये चैनलिंग में कोई डीएफ है जिसका फोकस अपने काउंटर पार्ट की कार्मिक की ओर है, और वो जो कार्मिक है उस कार्मिक को, यानी डीएम की जो कार्मिक है उसको ये डीएफ पहले से नहीं जानती है। कोई लड़की, कोई नई लड़की आपके काउंटर पार्ट की लाइफ में आई है, उनके आसपास कहीं आई है, भले ही उनकी लाइफ में ना आई हो, लेकिन ये कोई डीएफ है जिनको ऐसा फील हुआ है कि ये लड़की शायद मेरे डीएम की कार्मिक हो सकती है, शायद मेरे डीएम इससे रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ऐसा इस डीएफ को डाउट है। और ये डीएफ बार 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 उसी लड़की के बारे में सोचती है कि ये लड़की कौन है, कहाँ रहती है, कहाँ से आई है, बार बार उसके बारे में जानकारियाँ लेने की कोशिश कर रही है। और जब ऐसी जानकारियाँ लेने की कोशिश कर रही है तो इसके सामने जो समस्याएँ आने वाली हैं, जो ये डीएफ उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश कर रही है कि ये मेरे पर्सन के लाइफ में तो नहीं है ये लड़की, तो इसलिए इसका ध्यान अपनी जर्नी पे नहीं है, और अपनी जर्नी पे ना होने की वजह से इसकी लाइफ में आगे प्रॉब्लम आ रही है, जिस प्रॉब्लम पे इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। क्योंकि जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो सामने क्या हो रहा होता है वो हम नहीं देख पाते हैं, तो ऐसा इन डीएफ के साथ हो रहा है। अब आप खुद देखिएगा कि आप किस एनर्जी में हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप किसी लड़की के बारे में जानने की कोशिश कर रही हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि लड़की कहीं आपके पर्सन की लाइफ में तो नहीं आ रही है, आपके काउंटर पार्ट की लाइफ में तो नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप उधर से अपना ध्यान हटा लें। क्योंकि उधर आप ध्यान रखेंगी तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि ड्रीम में मुझे एक लड़की है जो दूसरी लड़की के बारे में जानने की कोशिश कर रही है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ये लड़की मेरे पर्सन की लाइफ में है, और उसी के बारे में, उसी को देखते देखते वो आगे बढ़ रही है, और आगे एक बहुत बड़ी लिजर्ड आ जाती है, बहुत बड़ी छिपकली आ जाती है। हालांकि उस छिपकली से उसका टकराव नहीं होता है, छिपकली जैसे ही सामने आती है वैसे ही वो वहाँ ठहर जाती है और छिपकली आगे जाती है, दोनों का टकराव होते नहीं दिख रहा है, लेकिन वो लड़की उस छिपकली से आगे जाती भी नहीं दिखी। और छिपकलियाँ जब भी ड्रीम में आती हैं तो ये निगेटिविटी होती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ऐसी जो डीएफ हैं जिनका ये जो ये जानने की कोशिश कर रही हैं, जिनका ध्यान इधर है कि ये लड़की मेरे पर्सन की लाइफ में तो नहीं है, मेरे काउंटर पार्ट की लाइफ में तो नहीं है, तो आपके सामने कोई निगेटिविटी अटैक करेगी और ड्रीम में फिर ये डीएफ आगे नहीं बढ़ी है और यहाँ ड्रीम ख़त्म हो गया है। और इत्तफाक देखिए, ईश्वर का प्लान था ये कि इस ड्रीम के बाद मैं जागी और फिर जब फिर सो गई तो फिर से मुझे यही ड्रीम आया, यही ड्रीम इससे आगे का आया। इससे आगे ये आया कि वो जो लड़की जो थर्ड पर्सन मीन्स उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, तो ऐसी डीएफ कहीं किसी काम से चली गई है, किसी काम से चली गई है और उसका पर्सन किसी तरीके से मेरे कांटेक्ट में है, मेरे पास है। कांटेक्ट मीनिंग वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि
कोई मेरे रिलेशन हो, मेरा कोई टेलीफोन एक कॉन्टेक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रीम नेक्स्ट ड्रीम में ये है कि वही लड़की जो दूसरी लड़की के बारे में जांच पड़ताल कर रही थी, वो कहीं किसी काम से चली गई है, उसी टाइम मैं जहाँ पे हूँ वहीं उसका पर्सन है, तो उसके पर्सन से मेरी कोई बात होने वाली होती है लेकिन नहीं हो पाती है। वो पर्सन मुझसे कुछ बात करने वाला होता है लेकिन आगे ड्रीम में बातचीत नहीं दिखाई गई है, बट कुछ पॉजिटिव टॉकिंग के बारे में एनर्जी आई है, कुछ पॉजिटिव टॉकिंग, कोई वो पर्सन कुछ मुझसे जानने की कोशिश कर रहा है। तो ये और यही ड्रीम 2 बार आया। एक बार में तो वो लड़की केवल उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, तो उसके आगे छिपकली आ गई और उसके आगे फिर वो लड़की नहीं गई है, उससे आगे की जर्नी नहीं दिखी। दोबारा यही ड्रीम आया तो वो लड़की अपने किसी काम से गई है, किसी काम से गई है मीन वो अपनी जर्नी में कहीं और, अपनी जर्नी में किसी और स्टेप पे बढ़ गई है। तो यही आपको करना है, आपको अपनी जर्नी पे आगे बढ़ना है। वो जो छिपकली उस टाइम पे आई है जिस टाइम पे आप किसी लड़की के बारे में जांच पड़ताल कर रही हैं, तो वो निगेटिविटी आई है, निगेटिविटी ने आपको उसके बारे में जांच पड़ताल करने से रोका है। मीनिंग यही है कि जब उस लड़की के बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश की गई तो सामने छिपकली ने आके रोका, छिपकली की वजह से ही उस DF का उस लड़की से ध्यान हटा है, मीन्स निगेटिविटी ने उधर उसके बारे में जांच पड़ताल करने से रोका है। यानी वो जो कार्मिक है, जो DF उस लड़की को कार्मिक फील कर रही है, निगेटिविटी उस कार्मिक को प्रोटेक्ट कर रही थी, निगेटिविटी की वजह से ही वो DF ये जान नहीं पाई कि ये लड़की कौन है। और उसके बाद नेक्स्ट ड्रीम में वो DF अपने किसी काम से चली गई, अपने किसी काम से चली गई, यही अच्छा हुआ क्योंकि DF को अपनी जर्नी पे आगे जाना है। और जब वो अपने काम पे गई है तो उसका काउंटर पार्ट यानी वो लड़का जो उसका पर्सन है वो मुझे मेरे कॉन्टेक्ट में दिखा है, वो लड़का मुझसे कुछ बात करना चाह रहा है, मुझसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, और मैं कुछ उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ ऐसा या ऐसी एनर्जी है, मुझे ठीक से वो याद नहीं है, ड्रीम में एनर्जी याद है, वर्ड्स याद नहीं है। तो डियर मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई लड़की आ रही है, तो उस पर ध्यान ना दें। अगर वो आ रही होगी तो वो उनका कार्मिक अकाउंट होगा, अगर वो लड़की नहीं आएगी तो वो कार्मिक अकाउंट चुकेगा कैसे, वो तो क्लियर होना ज़रूरी है ना। जब तक कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होंगे तब तक जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी, और जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी तो यूनियन की ओर कैसे जाएंगे। इसलिए डियर अगर आपको लग रहा है कि कोई लड़की, किसी लड़की पे डाउट है कि वो आपके पर्सन की लाइफ में आ रही है, तो कोई बात नहीं, आप ईश्वर को सरेंडर कीजिए, बस यही सोचिए कि वो कार्मिक है, उसका आके जाना ही ज़रूरी है, वो आएगी नहीं तो जाएगी कैसे, उसका आके जाना ज़रूरी है। वो अपना, उसने जो कुछ पास्ट बर्थ में इनके लिए किया होगा वो उतना उसको लेके जाना है, तो उसका कर्ज है उसे चुक जाने दीजिए। ये कर्ज आप पे भी है, आप पे और आपके काउंटर पार्ट पे उसका कर्ज है, तो वो लेने अगर आ रही है तो उसे लेके जाने दीजिए, आप उसके बारे में जांच पड़ताल ना करें, क्योंकि नेगेटिविटी कार्मिक्स को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप उधर ध्यान ना दें, आप अपनी जर्नी पे ध्यान दें और आप सीधे रास्ते पे जाएं, आप ईश्वर से रिश्ता बनाकर रिश्ते में भावना जोड़ें और सिर्फ ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानें। आप DM की ओर भी ध्यान ना दें क्योंकि वो आपके काउंटर पार्ट हैं, तो ईश्वर उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे। आप प्रोटेक्शन के लिए प्रे करती रहिए, बट टोटली टोटली आप ध्यान अपने ईश्वर पर रखिए, उस लड़की की ओर नहीं, उनकी थर्ड पर्सन की ओर नहीं, किसी कार्मिक की ओर आप अपना ध्यान मत रखिए, उधर जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। यही चैनलिंग थी। प्लीज़ आप जिनसे भी ये रेजोनेट हो रही है, जो भी इस एनर्जी में है, एक डी है जो अपने कार्मिक से कार्मिक को रिलीज़ करने के लिए अब केस फाइल करने वाली हैं तो उनका प्रोसेस शुरू होने वाला है। दूसरी DF जिस टाइप जो ये एनर्जी मुझे शो कराई गई है ड्रीम में, तो ऐसी DF प्लीज़ थर्ड पर्सन से अपना ध्यान हटाएं, आप अपनी जर्नी पे आगे जाएं, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण।